1991 में आई फिल्म सौदागर से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 47 साल की हो चुकी हैं। 16 अगस्त 1947 को जन्मी मनीषा का कभी खुद से 20 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ अफेयर काफी सुर्खियों में था। हालांकि दोनों के रिलेशन में उस वक्त दरार आ गई जब मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ बंद कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद मनीषा ने न सिर्फ नाना को खरी खोटी सुनाई बल्कि आयशा को भी काफी लताड़ लगाई थी। बता दें कि नाना और मनीषा फिल्म अग्निसाक्षी के दौरान करीब आए थे। नाना के साथ आयशा को देखकर मनीषा को इराला ने दोनों को खूब भला बुरा कहा। इससे बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची थी। हालांकि उस वक्त तो नाना ने किसी तरह मनीषा को समझा बुझाकर मना लिया, लेकिन इसके बाद मनीषा ने उनसे उनकी पत्नी नील कांति को तलाक देकर शादी करने की बात कही। चूंकि नाना और आयशा को साथ देखकर मनीषा का दिल पहले ही टूट चुका था, दूसरी ओर नाना अपनी पत्नी को तलाक देने के मूड में भी नहीं थे। फाइनली मनीषा ने नाना की लाइफ से दूर होने का फैसला कर लिया। नाना और मनीषा ने संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में भी साथ काम किया। इसी दौरान दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इसी बीच नाना और मनीषा के छोटे मोटे झगड़ों की खबरें भी आती रहीं। चूंकि नाना पाटेकर मनीषा को लेकर काफी पजेसिव थे, यहां तक कि वो नहीं चाहते थे कि मनीषा किसी भी पब्लिक गैदरिंग या पार्टी में रिवीलिंग ड्रेस पहने या किसी दूसरे शख्स के साथ बातचीत करें। फिल्म युग पुरुष की शूटिंग के दौरान नाना ने मनीषा की ड्रेस पर भी आपत्ति जताई थी। वो नहीं चाहते थे कि मनीषा ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने। इसके बाद दोनों में झगड़ा भी हुआ और कुछ दिनों तक इनके बीच बातचीत भी बंद हो गई थी। नाना पाटेकर की लाइफ में आयशा जुल्का की एंट्री तब हुई जब वो मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे। इसी बीच 2003 में आई फिल्म आंच में आयशा जुल्का और नाना पाटेकर ने साथ काम किया था। फिल्म में दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन्स भी थे। खबरों के मुताबिक मनीषा से अलग होने के बाद नाना पाटेकर आयशा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। कहा जाता है कि अपने गुस्से के लिए खूंखार नाना ने एक स्टेज प्ले के दौरान न सिर्फ आयशा जुल्का को बेइज्जत किया बल्कि उन पर हाथ भी उठा दिया था। इसके बाद से आयशा ने भी नाना से दूरियां बना ली थीं। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था वो मनीषा को आज भी काफी मिस करते हैं, वो बेहद सेंसिटिव एक्ट्रेसेस में से एक थी। नाना ने मनीषा को कस्तूरी हिरण की तरह बताया था। नाना ने कहा था ब्रेकअप लाइफ का बेहद कठिन दौर होता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस तरह का दर्द झेला है, मैं अब इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इंटीमेट सीन्स भी थे। खबरों के मुताबिक मनीषा से अलग होने के बाद नाना पाटेकर आयशा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। कहा जाता है कि अपने गुस्से के लिए खूंखार नाना ने एक स्टेज प्ले के दौरान न सिर्फ आयशा जुल्का को बेइज्जत किया बल्कि उन पर हाथ भी उठा दिया था। इसके बाद से आयशा ने भी नाना से दूरियां बना ली थीं। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था वो मनीषा को आज भी काफी मिस करते हैं, वो बेहद सेंसिटिव एक्ट्रेसेस में से एक थी। नाना ने मनीषा को कस्तूरी हिरण की तरह बताया था। नाना ने कहा था ब्रेकअप लाइफ का बेहद कठिन दौर होता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस तरह का दर्द झेला है, मैं अब इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। नाना ने कहा था ब्रेकअप लाइफ का बेहद कठिन दौर होता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस तरह का दर्द झेला है, मैं अब इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। नहीं कर...